अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आज यहाँ पर इतना अजीम शान इज्तिमा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मेरी खुशी का लफ्ज में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कैसी खुशी और मुसरत हासिल हो रही है इस वक्त कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम औलिया इकराम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। नूरानी दरबार मदीने वाले का, नूरानी दरबार मदीने वाले का, क्यों क्योंकि हर सू है इज़हार मदीने वाले का, हर सू है इज़हार मदीने वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का, अपने तो अपने दुश्मन भी अरे ये बोले, अपने तो अपने दुश्मन भी अरे ये बोले, के आला है किरदार मदीने वाले का, आला है किरदार मदीने वाले का, नूरानी दरबार मदीने वाले का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं उनका मामला क्या होगा। शायर ने कहा खूब अंदाज में अशार में इस बात को समझाया कि जिसके दिल में है प्यार मदीने वाले का, जिसके दिल में है प्यार मदीने वाले का, हर सू है इज़हार मदीने वाले का। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते उनके साथ क्या होगा। शायरी बड़े खूब अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा है, समाज में कि अपना ठिकाना दो दुख में वो देखेगा, अपना ठिकाना दो दुख में जिसने